गूगल मैप पर क्या आप भी अपनी दुकान का पता या घर का पता या गांव का पता डालना चाहते हैं तो वो आप कैसे डाल सकते हैं? क्या आप भी गूगल मैप पर अपने घर का एड्रेस या फिर आप अपनी दुकान का एड्रेस आप डालना चाहते हैं तो वो आप कैसे डाल सकते हैं? तो मैं आपको यही इस वीडियो में सिखाऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए और आपके लिए भी, ठीक है? क्योंकि पसंद आती है आपको वीडियो तभी तो आप लाइक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो मैं आपको जब वीडियो बना के दूंगा नई तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप नई जानकारी ग्रहण करते रहेंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर देख लेना है, आपको गूगल मैप करके एक एप्लीकेशन होती है, यानी कि मैप्स लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे, इसका इंटरफेस आपको इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूट, इस तरीके से एक प्लस का आइकन होगा और यहाँ लिखा होगा कंट्रीब्यूट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा है तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी जीमेल हो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? इस टाइप से मैंने ये क्लिक कर दिया, आपका इस तरीके से पेज खोल के आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है ऐड मैप, इस पर क्लिक करना है। ऐड मैप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन खोल के आ जाते हैं, बहुत सारे ये देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड और फिक्स ए प्लेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आएगा ऐड ए मिसिंग प्लेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐड ए प्लेस का यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी प्लेस का नेम डालना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे आप अपनी दुकान का, ठीक है, नेम डाल दीजिए, जो भी नेम है, ठीक है? जैसे एक्स वाई जेड मैंने यहाँ इस तरीके से डाल दिया और यहाँ कैटेगरीज यहाँ चूज़ कर लीजिए, आप फूड ड्रिंक है, शॉपिंग है, सर्विस है, यहाँ पे जो भी आपकी दुकान है या फिर घर है, होम है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से डाल सकते हैं। यानी कि आपकी कोचिंग भी है तो कोचिंग भी डाल सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है? तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर शॉप पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस डाल दीजिए शॉप का, यानी कि आपका जो भी एड्रेस हो वो यहाँ पर अपना एड्रेस है फिल कर दीजिए। वैसे यहाँ पे आता ही है, जैसे ही आप डालेंगे तो जैसे मैंने ये देखो यहाँ डाल दिया, ठीक है? इस तरीके से आपको डालना है। लोकेशन भी आप डाल सकते हैं, लोकेशन क्या है, सही लोकेशन यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद ऐड मोर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, अबाउट, सारी चीज़ें आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद ऐड फोटो पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने गैलरी से फ़ोटो, जो आपने अपनी दुकान के या घर के जो भी फ़ोटो खींचे हैं वो यहाँ से सीधा आप पब्लिश कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप चेक कर लीजिए आपके किस फोल्डर में वो फ़ोटो हैं, और जो भी फ़ोटो हैं उस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और फ़ोटो है वो इस तरीके से डन कर दीजिए यहाँ से, और फ़ोटो यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है? फ़ोटो अगर आपका सही नहीं हुआ है तो यहाँ से हटा दीजिए, फिर से आप ऐड करके यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है? इस यहाँ पर सबमिट कर देना है और आपका एड्रेस यहाँ पर आपकी दुकान का जो है प्लेस सही हो जाएगा, ठीक है? अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।